हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भरण पोषण मेंटेनेंस के बारे में कि भारतीय कानून में एक पुरुष को किस किस के भरण पोषण की जिम्मेदारी है और कौन कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो कानूनी तौर पर अपने खर्चे के लिए कोर्ट से अपील कर सकती हैं। मेरे फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेल फ्रेंड्स, हम टॉपिक पे आते हैं। हमारे भारतीय कानून के CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर 1973, जिसका हिंदी है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 और धारा 125 में मेंटेनेंस को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें एक पुरुष को पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण का आदेश दिया गया है। जी दोस्तों, आज तक बहुत से लोग सिर्फ पत्नी और बच्चे को ही अपने पति से या पिता से खर्चे लेने का अधिकार मानते आए हैं, पर हमारे कानून में माँ बाप को भी खर्चे की मांग का अधिकार है। वो चाहे तो उसी तरह कोर्ट से सेक्शन 125 के तहत अपने बेटे से खर्चे की मांग कर सकता है, जैसे आजकल पत्नियां अपने पति से करती हैं। सेक्शन 125A में जो पत्नी अनेबल है, अयोग्य है, अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है, तो वो कानूनी तौर पर अपने पति से खर्चे की मांग कर सकती है। वहीं सेक्शन 125B में कोई बच्चा, बेटा या बेटी, जब तक माइनर चाइल्ड है, जब तक वो वयस्क की कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो भी कानूनी तौर पर खर्चे की मांग कर सकता है। वहीं सेक्शन 125C में कहा गया है, कोई बेटा या बेटी वयस्क है पर वो ऐसी बीमारी से पीड़ित है या किसी ऐसे कार्य से की वजह से वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है, वो कमा नहीं सकता है, तो वो भी अपने पिता से अपने खर्चे की मांग कर सकता है। वहीं सेक्शन 125D में माता पिता जो भरण पोषण में असमर्थ हैं, वो भी खर्चे की मांग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे भरण पोषण की मांग कौन कौन कर सकता है इसके बारे में। और ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। ये चैनल स्पेशली लीगल अवेयरनेस को डेडिकेटेड है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अवेयर रहें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अपडेट रहें।